के भी 17 में मैंने पार्ट लिया. मेरा काम मेरे पीछे ये लगा हुआ है और जिसका टाइटल है सिंसियरली योर्स. जो भी मेरा काम है सारे मेरे ही रिजेक्शन लेटर्स हैं या रिग्रेट लेटर्स हैं. मेरे से मुराद जो मुझे मिले जहाँ भी मैंने अप्लाई किया, आइदर वो रेजिडेंसी हो, अवार्ड हो, किसी एग्जीबिशन के लिए हो. और एक चीज़ है कि ये शायद ये काम अभी बहुत डायरेक्ट है मेरे लिए क्योंकि इस पर ये मुझे आए हुए हैं और शायद आर्ट से रिलेटेड आए हुए हैं. पर मुझे लगता है ये रिग्रेट है, रिजेक्शंस है, रिफ्यूज़ है, ये पार्ट है सक्सेस का. और ये रिजेक्शन, ये जो आपको रिग्रेट्स आते हैं, ये सिर्फ ऐसे नहीं कि किसी आर्ट के फील्ड में, ये हर फील्ड में, हर जगह, हर इंसान के साथ मौजूद है. वो शायद एक बैंकर हो, पॉलिटिशियन हो, वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, ड्राइवर हो, रक्षा चला रहा हो कोई. सो हर किसी के अपने तरीके के होते हैं, पर उसके साथ सक्सेस भी आती है. सो एज एन समवन, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ और आई ऑलवेज से टू माई स्टूडेंट के यार डिफरेंट जगहों पे अप्लाई करो, डिफरेंट जगह पे ट्राई करो, डिफरेंट जगह पे अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करो. और उसमें समटाइम्स आप सक्सेसफुल नहीं होते हो. सो व्हाट आई डिसाइडेड कि क्यों नहीं, मैं भी जो मेरा हुआ है, मैं जितना भी सक्सेसफुल हूँ या जितना भी मैं कुछ कर रहा हूँ, उसके बिहाइंड कुछ और भी रिजेक्शन शामिल हैं, उसके बिहाइंड कुछ ऐसे रिग्रेट शामिल हैं जिसमें कभी इतनी खुशी भी नहीं हुई होगी, कभी खुशी भी हुई, कभी खुशी भी नहीं हुई. तो वो मैंने अपने काम में शामिल किया, अपने काम में लेके आया, सो दैट आई कैन शो समथिंग के जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं उनसे कह रहा हूँ कि जी तुम करना चाहिए, वो उसमें देख सकें. वो ये ना देख सकें सिर्फ ओके कि मोहम्मद ज़ीशान कहीं सेलेक्ट हुआ था, उनके सामने ये होना चाहिए मोहम्मद ज़ीशान रिजेक्ट भी हुआ था. आई रिमेंबर मेरी माँ बहुत कहा करती थी, वो एक शेर है बड़ा मशहूर, सबको पता होगा, आई थिंक, गिरते हैं शायद सवारी मैदान जंग में, वो तिफिल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलें. सो यू नो इट्स जस्ट लाइक के हाँ, अगर आप कुछ करते हैं तो उसका अच्छा या बुरा या सक्सेस या अनसक्सेसफुल रिजल्ट आता है.